जानते हैं बेटा, लास्ट टाइम बात की थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आई थिंक हमने स्टार्ट किया हुआ था। आई डोंट नो सैटरडे आपने क्या दिया क्या नहीं किया बेटा। सैटरडे मैंने आपका पीरियड नहीं लिया था, तो आप बता दीजिए सैटरडे आपने क्या किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, वेरी नाइस। MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने किया था। ब्रीफली 2-4 मिनट इस पे लगाकर बेटे मैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आइए एक बार कंसंट्रेट करें। आप लोगों ने जैसे बेटे बात ऑलरेडी कर रखी है कि अगर आपके पास एक क्वाइल होगा रेक्टेंगुलर शेप में, और आप उसको करंट कैरिंग क्वाइल को रादर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, मैं बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ अभी, ये आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, नॉर्थ पोल इस तरफ है एंड साउथ पोल उसी मैग्नेट का बड़ा सा मैग्नेट है इस तरफ है, और आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस रीजन ऑफ द स्पेस में बेटा एग्जिस्ट कर रहा है। जनरली उस पॉइंट पे हमने ये मैग्नेट शो नहीं किया था। मैं टॉर्क की बात करूंगा जो आपके रिक्टेंगुलर क्वाइल पे एक्ट कर रहा है जब आप उस रिक्टेंगुलर क्वाइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो। कैपिटल बी लेट इट बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा। एंड अब हमने क्या करना है, इस कैपिटल बी को, इस कैपिटल बी के इंटीरियर में हमने बेटे एक ये क्वाइल प्लेस किया, ये वाला क्वाइल। मैं बेटे जस्ट बेसिक आइडियाज को एक बार रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ये क्वाइल आपका इन एक्सिस के राउंड अबाउट बेटे फ्री है रोटेट करने के लिए। इसका कोई नाम रख लीजिए, ए बी सी डी, और आप मान लो इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है, राइट बेटे। आपने एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा ऑलरेडी कर रखा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको समझा दिया था अच्छे से बेटा। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड ऑफ द लेफ्ट हैंड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट एंड द थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर रादर द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें बेटे चार आपके पास ब्रांचेस हैं कंडक्टर की, आप इसको लेंथ बोल सकते हो, उसको ब्रेथ बोल सकते हो, ये भी लेंथ है ये भी ब्रेथ है। जैसे आप ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में ये कॉइल है, और ये इन एक्सिस के राउंड अबाउट ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है दिस वे, ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ये बच्चों इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, राइट बेटा। और इस तरफ आपका इमेजिन कर लीजिए नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, ये डोर साउथ पोल है, इसके सामने वाला पोर्शन नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा होगा नॉर्थ टू साउथ। नाउ सी दिस अरेंजमेंट, ऐसे पड़ा है आपका ये रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर ये ऐसे पड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट ऐसे जा रहा है। इस पार्ट पे फोकस करिएगा, करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट अपवर्ड, राइट बेटा। और इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल हम उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। और अगर मैं बात करूं इस वाले ब्रांच की, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड राइट, करंट डाउनवर्ड है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, जो कि हमें किसी भी तरीके का मोशन नहीं दे पाएगा। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज्यूम करता हूँ करंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा, हाँ जी हाँ जी, डेफिनेटली ये आपका करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है बेटा, ऐसे करंट इन दिस ब्रांच डाउनवर्ड है, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, ये आपके पास बेटे फोर्स आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से इस पे भी फोर्स आ जाएगा, इस पे भी, और इस पे भी हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वर्कआउट कर लेंगे। और बेटे जो मैक्सिमम फोर्स है आपका ये थीटा, जब आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू बी आई एल बेटा। और यस, तो उस केस में आपने अगर अज्यूम किया है कि ये एंगल थीटा है, आपका क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है अगर, तो आपका ये वाला एंगल भी बेटा थीटा होगा।
और ये वाला कंपोनेंट आपका फिर बन जाएगा जी बी कॉस ऑफ एंगल थीटा बेटा, ये बी ब्रेथ था इसका, राइट बेटे? तो आपका टॉर्क बन गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, और टॉर्क बन गया बी आई एल इंटू बी कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये टॉर्क बन गया बी आई लेंथ इंटू ब्रेथ, बी छोटा लिखा हुआ है, इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा लेंथ इंटू ब्रेथ विल गिव यू बेटा एरिया, और टॉर्क आपके पास बन गया बी आई ए कॉस ऑफ एंगल थीटा, और बेटे एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर हो, यहाँ तो एक ही लिया ना मैंने टर्न, अगर एन के बराबर टर्न्स होंगी तो टोटल टॉर्क बन जाएगा एन बी आई ए कॉस थीटा, और बेटे अगर थीटा जीरो हो जाएगा कॉस जीरो विल बी वन, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा जैसे आप बता ही रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए आ गया, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बेटे। सो हम बेटे ये वाले कंसेप्ट को अपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज कर रहे थे, मैं ये पॉइंट से एक बार बेटे जस्ट रीकनेक्ट कर रहा था, और आइए अब बेटे हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है इसको बेसिकली एक बार देखें, जो हमारा हम डिस्कशन ऑलरेडी कर भी चुके हैं, स्टिल रिकैप्चुलेशन ही है पॉइंट्स का, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा एक पॉइंट और है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आप बेटे इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, ये नॉर्मल टू दिस कॉइल, तो ये जो नॉर्मल है इसने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो एंगल बना रखा है ये अल्फा बना रखा है, ये इमेजिन कर लो ठीक है बेटा, एज इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन सो इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स आल्सो बेटा, तो आपका फिर ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, फिर ये चीज जो है आपकी ये बेटे अब बी साइन अल्फा हो जाएगी, अब आपका ये देखो ये राइट एंगल हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज, इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल अल्फा बेटा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका ये फिर टॉर्क, अब आप अल्फा किसको कह रहे हो, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट देना करिए, हमने पहले कहा था ये फील्ड है इधर लगा हुआ, आपका क्वाइल इस फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये क्वाइल, नॉर्मल की बात नहीं की थी हमने, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये क्वाइल को आपने एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बना ना नॉर्मल, ये नॉर्मल ये थीटा इनके बीच में एंगल ये अल्फा बना है, पहले हम क्या कह रहे थे ये फील्ड है ये वाला और ये एंगल थीटा कह रहे थे हम पहले, ये प्लेन ऑफ द क्वाइल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल को हमने पहले थीटा बोला था, अब किसको बोला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब बेटे ये हुआ कि आपका अल्फा प्लस थीटा बच्चों 90 के बराबर हुआ, और आपका जो अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस थीटा टू बी इक्वल टू 90, अल्फा विल बी 90 माइनस थीटा डियर, और ये कॉस थीटा की जगह मेरे पास उत्तर आ जाएगा एन बी आई ए साइन अल्फा बेटे, राइट बेटे 90 माइनस थीटा कर लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम फिर भी इतना ही रहेगा बिकॉज साइन ऑफ एंगल अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी जब आपका अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, और इस तरीके से आप मैक्सिमम टॉर्क बेटे दोनों केसेस में निकाल सकते हो, जब भी आप अपना स्टेटमेंट पढ़ें ध्यान से आप देख लीजिएगा कि उन्होंने आपको एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, या एंगल बिटवीन द क्वाइल रादर द प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया है, सो अकॉर्डिंगली वी आर टू मैनेज द थिंग्स बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेटा ये सारा काम, चलें आगे पुत्र आज बेटे यही बेसिक आइडियाज हम इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अडॉप्ट करके इसको डिस्कस किया करते हैं, आइए बेटे इस पे कंसंट्रेट करें फोकस करें, हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, कैसे हम बेटे इसके साथ डील करते हैं, कितना
इसके ऊपर टॉर्क लगता है कॉइल के ऊपर, और कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। और जब आप टॉर्क को और रिस्टोरिंग टॉर्क को बेटा बैलेंस करते हो, तो आपका वो गल्वेनोमीटर कांस्टेंट वगैरह कैसे निकल आता है, आइए बेटे कंसंट्रेट करें। मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर में आप लोगों को याद होगा, हमने बेटा एक ये मैग्नेट अज्यूम किया था, एंड इमेजिन दैट कि ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है। मैग्नेट मैं इस शेप का बना रहा हूं बेटा, हॉर्स शू शेप, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं ये, एंड ये उसी मैग्नेट का बेटा साउथ पोल हमारे पास मिल गया। इसका मीनिंग बेटे ये हुआ कि आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये वाला रीजन जो है इन दिस वे। और प्रेजेंटली ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, लेट इट बी कैपिटल बी इन बिटवीन द टू पोल पीसेज ऑफ द मैग्नेट बेटा। हमने इसके मिडल में एक बेटा आर्मेचर कॉइल प्लेस किया, इसको नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर वाइंड कर रखा है हमने। नॉन मेटेलिक फ्रेम पे वाइंड करने से इसमें एडी करंट्स का इफेक्ट बेटा जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एडी करंट्स हमने अभी डिस्कस किए नहीं है, वैसे आपको आई थिंक नहीं पता होगा, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, मैं फिर नहीं नाम लेता उनका। आपने एक क्वाइल को नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर वाइंड किया और एक हेयर लाइक स्प्रिंग लेकर इसका कांटेक्ट पॉइंट बना दिया। इसके बिल्कुल इंटीरियर में आपने एक सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया, सॉफ्ट आयरन का कोर आपने इसके अंदर प्लेस कर दिया। ये सॉफ्ट आयरन का कोर क्या करता है, ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बेटे बना देता है। रेडियल का मतलब होता है कि ये मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इसमें से पास करने में हेल्प करता है। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, कॉपर का वायर है, इसको एक नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर वाइंड किया। फ्रेम के ऊपर वाइंड करने के बाद उस फ्रेम के अंदर खाली जगह जो है उस जगह में हमने सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया। अगर ये आपका स्फेरिकल शेप का है तो ये भी स्फेरिकल होगा, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो ये भी सिलेंड्रिकल ही रहेगा, राइट? अब हुआ क्या, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करके जाएंगी और आपका एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बेटे इसके अंदर सेट हो जाएगा, डिवेलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड आपका कहलाएगा वो। आपने इसको सारे को एक वुडन केस के अंदर एनक्लोज किया ताकि हमारा जो है फिजिकल कांटेक्ट बेटा इस करंट कैरियिंग कंडक्टर के साथ किसी भी स्टेज पे ना हो पाए और हमें किसी भी तरीके का जो है इस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट से बचना है। ये आपका वुडन केस है, इस वुडन केस में आपने इसको इनक्लोज किया। इसको कर रहे हैं, चिंता क्यों करते हो आप? ये वाला जो वायर था आपका, इसको आपने एक बेटा यहाँ पे कंकेव मिरर अटैच करके फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के साथ इस तरीके से फिक्स कर दिया, स्क्रू के साथ टाइट कर दिया, राइट बेटा? इसको एक आपने इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है इस के साथ बनाने के लिए इसको टर्मिनल T1 कह दिया ऐसे। और ये जो आपका हेयर लाइक स्प्रिंग था, इसको आपने विद द हेल्प ऑफ ए वायर कुछ इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट देने के लिए टर्मिनल T2 बेटे बना दिया। इसमें बेटे देखो आपका जो B है ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है जो आपने अप्लाई कर रखा है। ये कैपिटल N मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो आपने इस नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर कॉपर के कंडक्टर की वाइंडिंग कर रखी है। ठीक हो गई बात बेटे? और फर्दर मोर आई जो है
लेट इट बी द करंट यू आर मैनेजिंग टू फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर. आपने क्या दिया, ये दो टर्मिनल्स को एक को पॉजिटिव के साथ एक को नेगेटिव के साथ कॉन्टेक्ट में करके कनेक्ट कर दिया. ये करंट आपका फ्लो करने लगेगा ऐसे, ये करंट आपका चल पड़ा जी. जब ये करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो की वजह से ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पे एक टॉर्क एक्ट करेगा और टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये कॉइल आपका टिल्ट करेगा ऐसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा. मान लीजिए प्रेजेंटली कॉइल इस पोजीशन पे है, द मोमेंट यू आर पासिंग द करंट आपका कॉइल यहां आ गया, थीटा एंगल पे टिल्ट कर गया, रोटेट कर गया. अब ये वाला पार्ट देखिए, ये फास्फेट ब्रोंज स्ट्रिप है, ये ऐसे लगा हुआ है इसके साथ. जब ये टिल्ट करेगा तो वायर में भी ऐसे रोटेशन होगा. अगर वायर रोटेट करेगा तो वायर के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी डिवेलप होगा. अगर हम ऊपर बात करें इसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, तो प्रेजेंटली देखो आपने एन बी आई ए मैक्सिमम टॉर्क आपने निकाला है ना प्रेजेंटली. ये टॉर्क आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. कोई फर्क नहीं है, इसको मैं दो नाम अलग इसलिए दे रहा हूं. डिफ्लेक्टिंग का मतलब है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक मैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोलूंगा उसका मतलब होगा कि जो इस वायर के अंदर इस फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप के अंदर इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ताकि वो इसको वापस ले आए. आप लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में स्प्रिंग पढ़ा था. बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो ही कह रहा हूँ बेटे, स्प्रिंग है. आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर देते हो. आपने फोर्स किधर लगाया, बाहर को. आप छोड़ोगे तो क्या होता है, स्प्रिंग वापस आता है. स्प्रिंग के अंदर किधर फोर्स लगा, अंदर की तरफ. वो जो अंदर की तरफ फोर्स लगा दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, जो आपने लगाया दैट इज नहीं स्ट्रेचिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स या अप्लाइड फोर्स. अप्लाई स्ट्रेचिंग कह लो आपने, ध्यान दीजिए बेटे, एक है अप्लाइड फोर्स एक है रिस्टोरिंग फोर्स. फोर्स को जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो बिकम्स टॉर्क. ये है एक आपके पास बेटी है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड फर्दर मोर बेटे हमारे पास अब बात आ जाएगी रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क फर्दर मोर इमेजिन जो के है दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब है कि एक डिग्री अगर आपका वायर टर्न कर जाएगा तो उसमें के बराबर रिस्टोरिंग टॉर्क जो है उसको वापस लेके आने के लिए लगेगा. अगर आपका ये जो वायर है ये वाला फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप का पार्ट है, ये अल्फा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाता है तो जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आपके पास जो है इट विल बिकम के इनटू अल्फा बेटा. अब जिस पोजीशन पर रिस्टोरिंग और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे उस पोजीशन पे आपका जो ये वाला कॉइल है इट विल बिकम स्टेशनरी. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर लगा, रिस्टोरिंग टॉर्क वापस लगा, दोनों बैलेंस हो गए, यहां पे रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया रादर. तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पैरामीटर्स को बेटा कंपेयर कर दोगे, रिस्टोरिंग टॉर्क को एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को. एंड ऑन कंपेयरिंग दीज टू बेटा लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग. आपका ये था बेटे एन बी आई ए, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है के इंटू अल्फा. और आप ध्यान दीजिएगा आपका आई जो है इट इज देन के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा हो गया. इस चीज को हमने बोला था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. हाँ जी,
फिर से ध्यान दो, आपका जो बेटे रिस्टोरिंग टॉर्क है, एक डिग्री जब वायर आपका टिल्ट करता है, एक डिग्री के एंगल पे ऐसे रोटेट करता है, तो इस मटेरियल के अंदर फास्टर ब्रोन जो स्ट्रिप लगा था के बराबर का रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, दो डिग्री पे 2 × k के बराबर, 3 डिग्री के 3 × t के बराबर, अल्फा डिग्री पे α × k के बराबर। समझ? बिल्कुल, लेकिन लगेंगे आपको उसी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल ठीक बेटे। तो आप इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट रख देंगे, आई विल बी इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इनटू अल्फा। वाई गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स आपने फिक्स रखा हुआ है, उसको नहीं बदला, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज व्हाई दिस कलेक्टिवली इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। एंड डियर चिल्ड्रन, आपका करंट जो है दैट इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ दिस अल्फा, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन अल्फा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना करंट कम होगा उतना डिफ्लेक्शन भी कम होगा। सो इन दिस वे बेटा आपका जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये वर्क करता है। इसमें दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटीज। बेटा आइए इनको भी बेटे वन बाय वन डिस्कस करके देखें कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म करंट सेंसिटिविटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म वोल्टेज सेंसिटिविटी। बेटे लेट अस सी टू दिस बेटा डिफरेंट टर्म्स, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को आप आई एस से बेटा डिनोट करते हो, जैसे नाम से हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि अगर आप यूनिट करंट पास करवाओगे तो आपका जो डिवाइस है कितना ज्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर देता है, उतना ज्यादा आप कह देते हैं कि आपका डिवाइस सेंसिटिव है। आई मीन टू से दैट बेटा करंट सेंसिटिविटी आई एस, दिस इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट पास थ्रू द कंडक्टर यूर क्वाइल, जो आपने आर्मेचर क्वाइल मैनेज किया हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो आपका आई एस बेटे फिर कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन आई। अल्फा को आप यहां से देख लीजिए, ये रिलेशनशिप को बेटे जरा देखिए सारे स्टूडेंट्स, एक मिनट बेटे, इधर भी देखना पड़ेगा साथ साथ। यहां पे अगर आप फोकस करोगे, अल्फा अपॉन आई कितना बन गया, एन बी ए अपॉन के बन गया जी। आई को मैं इधर ले गया, इनको इधर ले गया, सो आई विल बी हैविंग एन बी ए अपॉन के। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपका जो करंट सेंसिटिविटी है आई एस जो है, ये बच्चों सीधा सीधा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, आपके क्वाइल की कितनी टर्न्स हैं, और दूसरी बात आपका आई करंट सेंसिटिविटी जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, और ये डिपेंड करता है एरिया पे, और ये इनवर्सली डिपेंड करता है के ऊपर। इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करें बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप ज्यादा कर दोगे आपका डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जब आप बेटे बहुत ज्यादा टर्न्स इंक्रीज कर दोगे, मान लो आपने 10, 20, 50, 100 कर दी या इवन उससे भी ज्यादा कर दी, आपका डिवाइस थोड़ा बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है, उस भारी कॉइल को टिल्ट करने के लिए टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, आपका डिवाइस फिर उस केस में बेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को एक लिमिट तक आप इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज्यादा इंक्रीज करोगे तो डिवाइस की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस हम नोट करेंगे। राइट बेटा, बेसिक रीजन क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को अननेसेसरीली इंक्रीज करोगे,
आपका डिवाइस बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और भारी कॉइल को टिल्ट करना आसान नहीं होगा. इट विल बी नॉट सो सेंसिटिव एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स. दूसरी बात बी, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके अपने डिवाइस को सेंसिटिव बना सकते हो. आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लीजिए. तो इन दिस वे अगर आप बी को इंक्रीज करोगे, आपका डिवाइस और ज्यादा सेंसिटिव होता चला जाएगा. ए, एरिया. जैसे हम ये कॉइल की बात कर रहे थे, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है. लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया. आ गया ना? Yes, अगर मैं इतनी बड़ी नोटबुक ले लूं फिर क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ भी बढ़ गई, ब्रेड्थ भी बढ़ गई. लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आएगी, अगर एरिया बढ़ गया तो ये कॉइल आपका बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, उसको फिर से टिल्ट करना मुश्किल हो जाएगा. आपका डिवाइस अप टू अवर एक्सपेक्टेशंस सेंसिटिव नहीं रहेगा. ठीक है जी? इसलिए कहा जाता है कि एक लिमिट तक आप एरिया इंक्रीज करोगे, उससे ज्यादा नहीं. हाँ जी, फिर वो आपका सेंसिटिविटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. एक बेटे के की बात करें, के आपका बेटे रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट था. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. जिस मटेरियल का के सबसे कम है, आप अगर वो चूज करेंगे तो आपका डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव होगा. आप लोगों को याद होगा अपने 11th स्टैंडर्ड में फास्फर ब्रोंज एंड क्वार्ट्स, ये दो मटेरियल चूज किए थे जिनकी जो के की वैल्यू है सबसे कम है. तो आपने इसीलिए यहाँ पे फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप यूज किया है. सो इट इज हैविंग द लीस्ट वैल्यू ऑफ के. इन दिस वे बेटे हम अपने डिवाइस की सेंसिटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं. हाँ जी बेटे, बेटे डियर चिल्ड्रन, जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इट इज ए सिंपली करंट डिटेक्टिंग डिवाइस. किसी भी जगह पर किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट के मेजरमेंट के लिए हम एमीटर यूज करते हैं. और अगर आप करंट को डिटेक्ट करना चाहो कि करंट है कितना फ्लो कर रहा किसी भी सर्किट में, सेटअप में, तो वहां पे आप बेटे आप गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं. एक छोटा सा टॉपिक हमारा है वोल्टेज सेंसिटिविटी. आइए उसको भी बेटा इसके साथ ही कंप्लीट कर लें. आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की जब बात करते हो तो आप कहेंगे कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी वी कॉल दिस एज वी एस बेटा. वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज. दैट इज बी एस आपका कितना बन गया फिर? अल्फा अपॉन वी. अल्फा अपॉन आई तो आपने निकाला ही हुआ था. ये वी आपका आई इन टू आर होता है ना बेटा, तो आप वी अपॉन आई तो आपके पास ऑलरेडी है ही है, इसको पुट कर दीजिए. वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी एन बी ए अपॉन के इन टू आर. आर अब इसमें एडिशनल टर्म आ गई है. आर क्या है? ये रेजिस्टेंस है आपके कंडक्टिंग वायर का जो आपने नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर वाइंड कर रखा था. फिर वही बात, एन को आप एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाओगे. अगर करोगे तो आपका डिवाइस बल्की हो जाएगा, इट विल नॉट बी सो सेंसिटिव. बी को आप एक लिमिट तक, सॉरी बी तो आप जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, आपके हाथ में ही है. एरिया आप अपने कॉइल का एक लिमिट तक इंक्रीज करोगे, ज्यादा करोगे तो बल्की हो जाएगा. के आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. आर रेजिस्टेंस, आप ऐसा मटेरियल चूज करिए, ऐसा वायर चूज करिए जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो. कॉपर की वायरिंग वाला यूज करिए, दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वोल्टेज सेंसिटिविटी. क्लियर बेटा? सो ये सारा बेटे आप एक बार देख लीजिएगा, फिर कल हम इससे आगे चलेंगे.
conversion of the galvanometer into the ammeter into the voltmeter और उनके साथ रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. थैंक यू ऑल.